मुर्दाबाद, 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 भारी सीएमओ मुर्दाबाद, 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 राष्ट्र परिषद मुर्दाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कांग्रेस पार्षदों के वार्डों का काम शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, कांग्रेस वार्डों के पार्षदों का काम शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शहर का विकास करो, विकास करो, विकास करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, घूसखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बर्बारी सीएमओ मुर्दाबाद, 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 राष्ट्र परिषद मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारे पार्षदों को धरने पे परिषद का बहिष्कार करना पड़ा। हमने कई बार, मैं 10 साल नगर पालिका परिषद में पार्षद रहा, भारतीय जनता पार्टी से रहा हूँ, पर कांग्रेस के कभी भी हम लोगों में मनमुटाव नहीं आया, क्योंकि हम लोग पूरी परिषद को लेके काम करते थे। आज की नगर पालिका आते हैं, मिठाई लड्डू खा के चले जाते हैं, विकास की परवाह नहीं। हाँ, उनको एक चीज़ की परवाह है, वो है कमीशन। पूरे लोगों के नेताओं को पैकेट कमीशन जा रहा है। नगर पालिका के जो 36 वार्ड माने जनता ने हमें चुना है, 36 ही पार्षदों को, उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से उनको चेतावनी दी है कि आप विकास करें, हम नगर पालिका के साथ में हैं, हम हर साथ आपके खड़े हैं, पर आप भेदभाव करोगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ पार्षद चुने गए हैं वहाँ इनके चमोरे जाके बैठ जाते हैं, हैं, और वहाँ पर पार्षदों को किस लिए चुना जनता ने? पार्षदों को चुना, जो पार्षद है उसको उसके वार्ड में उसको मिलना चाहिए, जनता ने चुना है। तो कुछ कमीशन खोर लोग पहले से वार्ड में जाते हैं, अपने फोटो खिंचा के व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, तो भी पार्षद को क्यों चुना? हमने SDM साहब को भी अवगत कराया, हमने तहसीलदार साहब को भी अवगत कराया, अब हम कलेक्टर साहब को भी, हमारे पार्षद दल पूरा मिलकर चीज़ को अवगत कराने जा रहा है। इतनी भ्रष्ट सरकार, 10 साल में पार्षद रहा और 25 साल मुझे देखते हुए, मेरे जीवन में मैंने ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार नहीं देखी। अरे बोलते हैं हम हमारे कर्मचारियों से बात करते हैं, यार वो बोला झाड़ू का पैसा नहीं है। जब हम 10 साल पार्षद थे, हमारे पास FD थी 4-4 करोड़ की। हमको अगर CEO बोलता चाय पियो, हम चाय पीते, पैसे जेब से देके जाते थे। 10 साल हमारा रहा, कोई हम पे दाग नहीं लगा। आज तो देखिए आप, 10 बजे से मेला लग जाता है। तो ये चीज़ें हैं, हम चाहते हैं, हम एक बार और चेतावनी दे रहे हैं, लास्ट, हम नगर पालिका परिषद के साथ हैं, और सबको लेकर चले और पूरे नगर का विकास करें। अगर ऐसा उन्होंने करा तो हमारी महिला पार्षद अब भूख हड़ताल पे बैठेंगी, उसके जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी, नगर पालिका CEO की होगी, नगर पालिका अध्यक्ष की होगी। उनके साथ कोई भी घटना होगी हमारे पार्षद की, वो सब जिम्मेदारी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी सरकार नगर पालिका पे जाएगी। हम कई बार हाथ जोड़ के निवेदन करें कि आप विकास करें, हम साथ खड़े हैं, अगर वो भेदभाव करेंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय कांग्रेस। मुर्दाबाद, 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 भाजपा परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भ्रष्ट CMO मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट CMO मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो। जैसा कि आज हमारे समस्त कांग्रेस के पार्षद व हमारे कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी गण आज इस परिषद का जो साधारण सम्मेलन होना जा रहा है उसके बाहर अब दरी बिछा के इसलिए बैठे हैं कि इस परिषद का हमने इस बार बहिष्कार करा है। बहिष्कार का एकमात्र कारण ये है कि हमारे वार्डों में आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य इन नौ परिषदों में नहीं लिया, जिनने 4 पूर्व में साधारण सम्मेलन हो चुका है, ये 5वां साधारण सम्मेलन होने जा रहा है, लेकिन कहीं भी किसी भी कांग्रेस वार्ड को एक भी सम्मेलन में सम्मिलित एजेंडे में नहीं किया गया। एक तो ये रोज, आज कम से कम ये मान के चलो कि 8 से 9 महीने परिषद को बने को हो गया, आज वार्ड में हमारा जाना दुश्वार हो गया, वहाँ लोग सवाल और जवाब अब करने लगे, क्या जवाब देंगे उनको। हमारे समस्त कांग्रेस पार्षदों ने यह निर्णय लिया कि क्यों न इस परिषद के खिलाफ आज हम यह धरना आंदोलन करें, ताकि कम से कम इस
गुंगी भेरी परिषद भाजपा की बैठी हुई और मध्य प्रदेश के बैठे हुए शिवराज जी और वो देश के महामहिम मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी तक कांग्रेस पार्षदों की आवाज़ जाए और कम से कम हमारे कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव करना बंद करे और हमारे वार्डों को काम को लेना चालू करे। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्षद साधारण सम्मेलन का बहिष्कार करके बाहर बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि हमारे वार्डों में कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे वार्डों में बस एक ही काम हो सकता है कि हम स्ट्रीट लाइट लगवा सकते हैं। इसके अलावा सफाई भी नहीं होती है और कुछ भी नहीं करवा पाते हैं लोग। हम जनता के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या हम उसको पार्षद बना देते तो अच्छा होता, मतलब हमसे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब हम उन्हें कैसे बताएं कि हमारी नगर पालिका परिषद के पास पैसा ही नहीं है। वो हम बोल के थक गए उनको कि अध्यक्ष जी ये काम करवा दीजिए, ये साफ करवा दीजिए, ये बनवा दीजिए। हाँ करवा देंगे, हाँ PIC में ले लेंगे, हाँ भाई साहब करवा देंगे। और हम के 9 महीने हो गए, हमको बस सांत्वना मिल जाती है। इसके अलावा 5 सम्मेलन में मेरे वार्ड का कोई काम नहीं आया, सिर्फ मैं स्ट्रीट लाइट करवा लेता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। बस पांचवी बैठक आउट हुई, 4 बैठक पूर्व में आउट हो चुकी है। 5वीं बैठक में बहिष्कार करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 50(1) के अंतर्गत अध्यक्ष के आदेश अनुसार किसी भी प्रस्ताव को परिषद में शामिल किया जाता है, वो संख्या 5वीं बैठक तक लगभग 91 से 106 हो चुकी है। लेकिन 106 में नगर पालिका द्वारा कांग्रेस पार्षदों के साथ में कोई भी प्रस्ताव नहीं लिया गया, उसको लेकर आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया। 8 माह गुजर गए हैं। आप देखिए शहर की लाइफलाइन, शहर की सेंट्रल लाइनिंग, जो प्रशासक कार्यकाल में जो उत्कृष्ट सड़कें थी, जो इंगोरिया रोड से 20 सेंटर की सेंट्रल लाइनिंग, उसमें धौलपुरी स्टोन लगे, आज 8 महीने से हम देख रहे हैं स्टोन निकल चुका है, काम अधूरा है, काम पूरे नहीं हो रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि नगर पालिका परिषद में जो काम रनिंग में चल रहे थे वो तक बंद हो गए, तो नवीन निर्माण की तो श्रृंखला है और नवीन निर्माण के कार्य को लेकर तो असंभव है। उसके बाद नगर पालिका परिषद के अंदर प्रभारी CMO जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, परिषद के सचिव हैं, सचिव होने के नाते उनकी जवाबदारी है कि नियमों का पालन करवाए। CMO नगर पालिका प्रशासन का कोई भी पत्र सामान्य प्रशासन विभाग से जब भी कोई डिस्पैचिंग होती है तो पार्षदों के उद्बोधन और उनके नाम से नहीं होती है, केवल फोन पर उनकी सूचना कर दी जाती है। हम लोगों ने आज का धरना देने के पीछे एकमात्र उद्देश्य CMO नियमों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे परिषद की बैठक है पर हम सब आ चुके, हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे वार्ड में काम नहीं किए जा रहे हैं, हमसे भेदभाव किया जा रहा है। पूर्व में भी 4 परिषद की बैठक हो चुकी है पर हमसे ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। हम जब भी इनसे बात करने जाते हैं कि हमारे वार्ड में काम लीजिए तो हमें सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि PIC में लेंगे, जबकि PIC में भी उस काम को नहीं लिया जाता है। और हम कई बार CMO साहब के ऑफिस में जाते हैं बात करने के लिए तो CMO साहब ऑफिस से निकल के दूसरे उस डिपार्टमेंट में गए पर वो बात करने को तैयार ही हमसे नहीं होते। ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है कि वो हम सबसे नजरें चुराते हुए इधर इस केबिन में गए, उस केबिन में गए, ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि उन्हें काम नहीं करना है। ऐसी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हम आंदोलन पर बैठेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। अगर हमारे काम नहीं लिए गए तो हम भूख हड़ताल पर हमारी महिला पार्षद और हमारे सारे पार्षद भाई हम सब मिलके नगर पालिका का घेराव करेंगे और कल हम कलेक्टर साहब को विज्ञापन देंगे। और हम चाहते हैं क्योंकि हमें नगर की जनता ने चुना, हमारे वार्ड की जनता ने हमें चुना है, तो हम विकास कार्य करा करेंगे, इन भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और हम जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे सभी पार्षद भाइयों का साथ हमें मिलता रहेगा, हमें जनता का साथ हमारे साथ है, तो हम निश्चित ही लड़ाई को हम जीत कर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। साधारण सम्मेलन है, हम लोग सभी पार्षदों के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि हमारा काम नहीं ये लोग करते हैं। हम काम लेके जाते हैं तो ये लोग बस फ़ोन पे कहते हैं कि हाँ आपका काम हो जाएगा। CMO सर के लग बैठते हैं तो वो उठ के दूसरी कैबिन में चले जाते हैं। हम उनके आगे पीछे उनको ढूंढते रहते हैं कहाँ गए, लेकिन जब तक हम उठ के नगर पालिका से बाहर नहीं आ जाते तब तक वो अपने केबिन में आते ही नहीं है। हम अपने काम को लेकर बैठे रहते हैं और फिर जब हम थक जाते हैं हम चले जाते हैं, उनसे कहते हैं फ़ोन लगा करके CMO सर हमारा काम है, तो वो कहते हैं आ जाइए नगर पालिका। नगर पालिका में हम जाते हैं वो मिलते ही नहीं, तो हमारा वहाँ जाने से क्या मतलब है? इसलिए हम सभी साथीगण के साथ में यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं।
में पुलिया पास हुई थी नगर पालिका परिषद में 5 महीने हो गए और अभी तक पुलिया का काम चालू नहीं हुआ। मैंने कल भी अध्यक्ष जी को फोन लगाया था, लोगों के घरों के सामने नाले का पानी आ रहा है, बाकी कोई अनदेखा कर रहा है, सब अधिकारी जितने भी अधिकारी है, और 5 महीने पुलिया पास हुए हो गए, बाकी अभी तक काम चालू नहीं हुआ। नाली पास हुए, रोड पास हुए, 1.5 महीना हो गया, बाकी कोई जवाब नहीं आ रहा और ना कोई काम हो रहा वार्ड में। परिषद की साधारण सम्मेलन 5वां सम्मेलन रखा गया था, जिसमें सभी कांग्रेस पार्षद ने परिषद के सामने बैठकर अपना विरोध जाहिर करा। विरोध जाहिर करने का मुख्य कारण इनकी भाजपा परिषद की अनदेखी है। भाजपा परिषद 5वां सम्मेलन हो रहा और 8वां महीना ना होने आ गया, शहर का विकास रुक सा गया है, शहर के विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर कांग्रेस पार्षद उन पर बोलते हैं तो बोलते हैं कि आप शहर के विकास में अवरुद्ध करा रहे हो, शहर को क्या अवरुद्ध करा रहे हो, ताकि जबकि कांग्रेस पार्षद जितने भी सब शहर के विकास के लिए कार्य करने के लिए बोल रहे हैं। अभी तक आप देख लीजिए, आप खुद मीडिया के मामले माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आप खुद देखते हो बाजार में घूमते हो कितना स्वर्णों का आतंक है। आज आवारा में से आवारा पशुओं का आतंक देखिए आप कितना, अभी दो दिन पहले ही बड़े हादसे हुए और कोई अमल नहीं। ये भूमि लेंगे, निर्णय लेने ही नहीं आ रहे, इनसे कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या निर्णय लेना चाहिए। जो पुराना विकास जो चल रहा था वो भी रुक सा गया, कांग्रेस पार्षदों से भेदभाव भी करा जा रहे हैं। कुछ कांग्रेस पार्षद कुछ 2-3 वार्ड ऐसे होंगे जिनमें इन्हें काम लिए, बाकी कोई भी कांग्रेस के वार्डों में एक भी काम नहीं ले रहे हैं। इसका विरोध पूर्ण तरह से कांग्रेस पार्षद कर रहे हैं, जैसे कि हमारी बहन मेघा धवन और गौरी सहनी जी ने साफ साफ बोल दिया, अगर जल्दी सुनवाई नहीं होगी तो ये भूख हड़ताल मीटिंग और हम सब इनके साथ में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज परिषद का 5वां साधारण सम्मेलन आउट हुआ, जिसका कि कांग्रेस दल ने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। बहिष्कार का मुख्य कारण कांग्रेसी पार्षदों का तिरस्कार और कांग्रेसी पार्षदों की हो रही अवहेलना है। चूँकि कांग्रेसी पार्षदों को वार्डवासियों ने चुना है, जब जनता ने चुना है तो इस परिषद ने सत्ता के प्रभाव में कांग्रेसी पार्षदों को बिल्कुल अछूता सा कर दिया है। वो हमारे वार्डों का काम लेना ही नहीं चाहते। परिषद में CMO साहब को फ़ोन लगाओ तो बिल्कुल लच्छेदार बातें करते हैं, अरे सब होगा, ये उनका परफेक्ट डायलॉग है। बड़े आशा जगाते हैं, वो बोलते हैं बड़े तरीके से वो कि सब होगा, और उसको कागजों पे पहुँचाने का कार्य वो नहीं करते, सिर्फ ओरल बोल के रह जाते हैं। अध्यक्ष जी को बोलो तो अध्यक्ष जी बोले सब होगा, लेकिन कब होगा? 20 जुलाई को हम लोग निर्वाचित हुए हैं, 20 जुलाई से हम लोग पार्षद हैं। 20 जुलाई से आज दिनांक तक वार्ड क्रमांक 6 में ना तो जल स्रोत को इन्होंने आके चेक किया, जबकि इनको जानकारी दे रखी है, लेटर पेड लगा रखा है, ना स्पीड ब्रेकर इनसे लगे, ना आवारे मवेशी पे इन्होंने कंट्रोल किया, ना श्वानों पे। अभी मेरे वार्ड के अंदर कम से कम 40 से 50 की संख्या में आवारा मवेशी, गाय और सांड और बछड़ोरियाँ मौजूद है। लेकिन मैंने जब CMO साहब को इससे अवगत कराया तो CMO साहब ने बोला कि हाँ पकड़ेंगे। कब पकड़ेंगे? जब वो लोगों के साथ बड़ा हादसा कर देंगे। कम से कम 15 लोगों को हमारे मोहल्ले में श्वानों ने काट रखा। अभी आके वर्तमान में अगर ये सर्वे करेंगे तो श्वानों की संख्या भी कम से कम 15 से 20 निकलेगी। तो हमारा ये निवेदन है कि ना स्पीड ब्रेकर आपसे लग रहे हैं, ना रोड आपसे बन रहा है, यहाँ तक कि जो नलों के कनेक्शन इन्होंने दिए हैं, लोगों से पैसा इन्होंने ले लिया, उनकी रिपेयरिंग के लिए भी मैं पंचोली जी को बोल के थक गया हूँ, उनसे वो भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे कई ज्वलनशील मुद्दे हैं जो शहर के विकास की गाथा लिख सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने सोच रखा है कांग्रेसी पार्षदों का सिर्फ और सिर्फ हमें यूज़ करना है। ये यूज़ कैसा करना है? जैसे आप बैठक में जाते तो ये कहते हैं कि बैठक में कांग्रेस पार्षद हमारा साथ है, जबकि हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। कई भाजपा के पार्षद भी इनका विरोध करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता के कई बड़े नेताओं को दबा देते हैं, जोर जबरदस्ती से बेचारे वो दबाव में जाके अंदर बैठ रहे हैं। कांग्रेसी पार्षद तो दूर है, बीजेपी के पार्षदों का भी काम नहीं करना चाह रहा, सिर्फ और सिर्फ ये मलाई खाने में लगे हुए हैं परिषद में। सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ सूत्रों से ऐसा ही पता चला है कि संविधान के हिसाब से, नगर पालिका अधिनियम के हिसाब से 1/3 पार्षदों का होना जरूरी है, लेकिन अभी मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा हमारे को परिषद की बैठक पूरी हो गई। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेसी पार्षदों की कोई वैल्यू नहीं है? क्या हमें जनता ने चुना था हमारी कोई वैल्यू नहीं है? हम ये चाहते हैं आपसे कि आपको जो करना है आप वो करें, लेकिन शहर के विकास और कांग्रेसी पार्षदों की आप अवहेलना ना करें। कांग्रेसी वार्डों के पार्षदों का काम लें और शहर को विकास को आयाम दें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सरकार जो नियमों की बात करती है, जिसको आज पूरी नगर पालिका परिषद, जो भाजपा की परिषद ने जिसको पूरा धुंधला साबित किया है, क्योंकि नगर पालिका अधिनियम के अनुसार 1/3 बहुमत जब तक पूर्ण नहीं होगा, जब तक कोरम पूरा नहीं होगा, जब तक परिषद की बैठक को प्रारंभ नहीं किया जा सकता। और परिषद की बैठक में आज समस्त कांग्रेस पार्षद अनुपस्थित रहे, उसके बाद भी भाजपा ने नियमों की अवहेलना करते हुए
परिषद को आहूत किया है, जो कि पूर्ण तरह से शून्य घोषित होना चाहिए। इस परिषद का कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी आज नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा और सीएमओ के द्वारा परिषद को आहूत किया गया है और पूरा पूरे जो आज बिंदु थे परिषद के उन पर सहमति जाहिर की है। और एक और हास्यास्पद बात है कि आज भाजपा के पार्षदों ने 10 मिनट में परिषद की पूरी प्रोसीडिंग ख़त्म कर दी, क्योंकि जब विपक्ष होता है तो यही परिषद की बैठक आधे आधे एक एक घंटे तक दो दो घंटे तक चलती है, परंतु आज एक भी भाजपा के पार्षद की हिम्मत नहीं थी कि इन किसी भी बिंदु पर कोई प्रश्न पूछ लें या कोई कटाक्ष कर दे, और पूरी परिषद कर ली है। उसके बाद ही इस नगर पालिका द्वारा ना ही किसी वार्ड में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की जा रही है।